नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, पाकिस्तान हमारा सबसे बिगड़ैल और सबसे नालायक बेटा है और पाकिस्तान को 1947 से लेकर आज तक हम मार लगाते आ रहे हैं, पिटाई करते आ रहे हैं, लेकिन सेना सरकार के बाद वहां का समाज भी अपना मानसिक संतुलन खोने से बस दो बिलांगों पर है। ये पानी में डुबोकर बिस्किट खाते हैं और बातें विस्फोट की करते हैं। ये गधों पर बैठकर पत्रकारिता करते हैं और बातें शेरों की करते हैं। भारतीय सेना का नाम सुनते ही ये पाकिस्तानी चूजे अपनी कॉकपिट में कांपने लगते हैं, लेकिन वहां की आवाम सिर्फ धर्म की शर्ट पहनती है, धर्म की टाई पहनती है, धर्म का चश्मा लगाती है और धर्म का नाश्ता करती है, धर्म का धंधा करती है, इसके साथ ही साथ धर्म का पानी पीती है। इसलिए इन्हें कोई और धर्म खुशी नहीं देता। दर्शकों, जिस देश के प्रधानमंत्री का घर भी भाड़े पर चढ़ाना पड़े, जिस देश में वहां की जनता से ज्यादा आतंकवादियों को सुख सुविधाएं दी जाती हों और भारत का प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके प्रधानमंत्री को 30 सेकंड का भी टाइम ना देता हो, उन पर तरस आता है। लेकिन फिर भी दर्शकों, पाकिस्तान को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटेरली प्रसाद बांटने की जरूरत है, क्योंकि तब इनको समझ में आएगा कि मंदिरों को तोड़ने पर हम कैसा प्रसाद देते हैं, क्योंकि तब इनको समझ आएगा कि देश की माइनॉरिटी के साथ कैसा सुलूक किया जाता है, क्योंकि तब इनको समझ आएगा कि मंदिर तोड़ने पर हम इनका क्या क्या तोड़ सकते हैं। इस बात को इन्हें ऐसे ही समझाया जा सकता है, इस बात की इनको समझ नहीं है। पाकिस्तान फॉर मी इज अ लंपन गाइस, पाकिस्तान फॉर मी इज अ लंपन ग्रुप ऑफ गैंग ऑफ गाइस। ये अपनी सरकार से विकास नहीं चाहते, बकवास चाहते हैं। हमसे कहते तो हम सड़कें मुफ्त में देते, हमसे कहते तो हम गलियां मुफ्त में बनवा देते, लेकिन नहीं, इन्हें शौक है मुफ्त में गालियां खाते हैं। दर्शकों, पाकिस्तानी पंजाब में एक बार फिर नापाक हरकत हुई है। पाकिस्तानी पंजाब में सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गई और फिर मंदिर में आग लगा दी गई। आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 30 मंदिर बचे जिन्हें आए दिन तोड़ा जा रहा है, एंड दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियसनेस। पाकिस्तान में दर्शकों 2-3% हिंदुओं की आबादी भी जल्दी ही खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान के पंजाब में हिंदू मंदिर के खिलाफ इन कंगालों की, इन कटोरा वालों की ये हरकत आप खुद देखिए। कश्मीर में रहने वाले हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए परेशान रहने वाले, रियासते मदीना बनाने का वादा करके सत्ता में आने वाले इमरान खान नियाजी के नया पाकिस्तान में भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कम नहीं हो रहे। ताजा मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के एक मंदिर पर हमला किया, मंदिर में आग लगा दी, मूर्तियों को खंडित कर दिया, मतलब भीड़ में इतनी आक्रामकता के साथ मंदिर पर हमला किया जितनी आक्रामकता के साथ तो भारतीय सेना पाकिस्तान के पाले गए आतंकवादियों पर भी नहीं करती। मतलब भीड़ इतनी आक्रामक थी कि जब पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तो वो भी इसे नहीं रोक पाई, जिसके बाद हालात को बेकाबू होते देख पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को बुलाया गया, जिन्होंने बामुश्किल इस भीड़ को रोका। वहीं इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रहीम यार खान जिले के भूम शहर में भीड़ ने बुधवार को एक हिंदू मंदिर पर हमला किया। यह जगह लाहौर से करीब 590 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि एक मदरसे में हुई बेअदबी की घटना के बाद कुछ लोगों के उकसाने पर भीड़ ने इस तुच्छ वाकया को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने इस पूरी घटना को फेसबुक पर लाइव भी किया। अब इस मामले में स्थानीय पुलिस हिंदुओं की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंदिर को बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। उन्होंने कहा, हमलावरों के पास डंडे, पत्थर और ईंटें थी और इन हमलावरों ने धार्मिक नारे लगाते हुए मूर्तियों को तोड़ा।
और मंदिर को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सांसद डॉक्टर रमेश कुमार बांकवानी ने बुधवार को मंदिर पर हमले के वीडियो को ट्विटर पर साझा किया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध किया कि वे आगजनी और तोड़फोड़ को रोकने के लिए जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे। सांसद डॉक्टर रमेश कुमार बांकवानी ने इस घटना को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, रहीम यार खान जिले के बोंग शहर में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। कल हालात बहुत तनावपूर्ण थे। स्थानीय पुलिस की लापरवाही शर्मनाक है। मैं प्रधान न्यायाधीश से कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते 8 वर्षीय हिंदू बालक ने इलाके के मदरसों में बेअदबी की थी, जिसके बाद से भूम में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि मंदिर के आसपास के इलाके में हिंदुओं के करीब 100 परिवार रहते हैं। वहीं मामले में रहीम यार खान के जिला पुलिस अधिकारी असद सरफराज के मुताबिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हालात काबू में कर लिए हैं और भीड़ को तेतर बेतर कर दिया है। उन्होंने कहा, रेंजर्स को बुलाया गया और हिंदू मंदिर के इर्द गिर्द उनको तैनात किया गया। डीपीओ ने बताया कि इलाके में करीब 100 हिंदू परिवार रहते हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यहां पुलिस को तैनात किया गया है। इस घटना के संबंध में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बहाल करना और अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करना है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुस्तकालय में बेअदबी करने वाले 8 वर्षीय बालक के खिलाफ ईंच निंदा का मामला दर्ज कर पिछले हफ्ते उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वह नाबालिग है, इसलिए उसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर भूम के लोगों को इस घटना का बदला लेने के लिए उकसाया गया था, जिसके बाद मंदिर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई और बाद में भीड़ ने मंदिर पर हमला कर दिया। सरफराज ने कहा, हम मंदिर पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाने वाले उपद्रवियों को गिरफ्तार करेंगे। अब मामले में देखना अहम होगा कि जब उस बालक पर कार्रवाई की जा चुकी है तो वो भीड़ जो इस तरीके से मंदिरों में तोड़फोड़ करती है, आग लगाती है, उस पर कार्रवाई कब होगी, होगी भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, ये वो रिपोर्ट थी जिसके जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह ये जालिम लोग वहां की माइनॉरिटीज के साथ किस तरीके का सुलूक करते हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं और ये लोग किस तरह से वहां की माइनॉरिटी के साथ पेश आते हैं। दर्शकों, ये कोई पहला मसला नहीं है। 7 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ, इससे पहले 1 साल पहले भी ऐसा हुआ, 2 साल पहले भी ऐसा हुआ। आए दिन बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सालों में हमने ये तस्वीरें लगातार देखी। दर्शकों, पाकिस्तान को हर तरफ से आइसोलेट किया जा चुका है। हमने उनको उनके घर में घुसकर मार दिया, लेकिन फिर भी इनको समझ नहीं आता। ये वो जाहिल है, ये वो अनपढ़ है जिनकी सरकार, जिनकी सेना और जिनका समाज तीनों ही अपंग है मानसिक रूप से। दर्शकों, जिस तरह की हरकत की गई है वो बताती है कि ये देश अब ज्यादा दिन और ज्यादा समय के लिए मानसिक रूप से मजबूत नहीं रह सकता। इनके जहन में सिर्फ एक चीज है कि किस तरीके से वहां के लोगों पर जुर्म किया जाए जो इनकी कौम से मिल खाते। दर्शकों, ये इकलौती ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर आतंकवादियों को पाला जाता है, पोसा जाता है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक उनको भोजन कराया जाता है। दर्शकों, ये इकलौती ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेसी के नाम पर आतंकवादियों का पालन पोषण करती है, उन्हें पालती है, उन्हें घर देती है। दर्शकों, ये इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर प्रधानमंत्री को अपना घर गिरवी रखकर वहां की जनता को पालना पड़ता है। दर्शकों, ये इकलौती ऐसी कंट्री है जहां के रिपोर्टर्स भैंसों के सामने माइक लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा। एंड आई फील दिस इज नॉट अ कंट्री बट दिस इज अ जोक कंट्री। एक कंट्री जहां के पीएम अपना घर भाड़े पर चढ़ाना पड़ता, जहां का पीएम चाइना को तोहफे में आम भेजता हो,
जब बाकी कंट्रीज वैक्सीन भेज रही हैं, तमाम चीजें भेज रही हैं, दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर रही हैं, तब पाकिस्तान के पास भेजने के लिए सिर्फ आम, और वो आम भी उनके दोस्त यानी चीन ने वापस लौटा दिया और बाकी देशों ने तो उन आमों को खाया भी। कितनी शर्म की बात है। और इसके साथ ही सबसे जो शर्म की बात है वो ये है कि वहां की जनता मूर्खों का एक झुंड हो चुका है, जिसको ये बात पढ़ाई जाती है, ये बात जताई जाती है और ये बात रटाई जाती है कि भारत से हमारी लड़ाई कश्मीर को लेकर है, जबकि वहां की जनता कहीं ना कहीं मन के एक कोने में ये बात समझती, जानती और सीखती है कि कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड आई वॉन्ट टू सेट लाउड टू नाइट दैट कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग, और उनको इस झूठ का लॉलीपॉप देकर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इस झूठे कुएं में कब तक जनता को रखेंगी, इसको पूछना चाहिए वहां की जनता। लेकिन खैर, हमारा इससे कोई लेना ना एक देना एक, तो इसलिए अब मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मुद्दा यह है कि किस तरीके से पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यह कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी लगातार कई दफा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर वहां का कानून कहता बड़ी बड़ी बातें हैं, नजर नहीं आता कुछ भी। इससे पहले क्या कुछ हुआ, इसके लिए आप इस रिपोर्ट को लिखिए और समझिए कि इससे पहले किस तरीके से वहां के मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरीके से डिमोलिश किया गया और किस तरीके से वहां के मंदिरों को वेंडलाइज किया गया। इसलिए आज रात में एक बात कहता हूं, जिस कंट्री को अपने धार्मिक स्थलों, अपने पूजा घर, अपने मस्जिदों या अपने गिरजाघरों को लेकर ये भावना है कि वहां बहुसंख्यक समाज जिस धर्म में जाता है, बहुसंख्यक समाज जिस पूजा करने के लिए जिस जगह जाता है, उसी ही जगह की वैल्यू है, उसी ही जगह की इज्जत है, तो नहीं। ऐसा करने से आप अंत की ओर अपनी सीढ़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में लगातार और बार बार हमारे मंदिरों में गुरुओं के पूजा स्थलों को तोड़ा है। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान टुडे। यस गाइस, दिस इज सीरियस। इन 21st सेंचुरी दे आर ब्रेकिंग टेंपल्स, इन 21st सेंचुरी दे आर वैंडलाइजिंग टेंपल्स, एंड दिस इज ट्रू, टोटली ट्रू, बिलीव इट नॉट। ये कोई पहली दफा नहीं था जब पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला कर उन्हें तोड़ दिया गया। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी कुछ और घटनाएं जब पाकिस्तान में ऐसी हरकतों को अंजाम दिया गया। इस्लामाबाद में निर्माणाधीन मंदिर में तोड़फोड़। भगवान कृष्ण का एक निर्माणाधीन मंदिर जो इस्लामाबाद का पहला हिंदू मंदिर होने वाला था, पर मंदिर बनकर तैयार हो पाता उससे पहले ही पाकिस्तान के बहुमत समाज ने उस पर हमला कर मंदिर को ढहा दिया। यह हमला पिछले साल जुलाई में किया गया था, जब स्थानीय मुसलमानों द्वारा मंदिर की चार दीवारी को गिराए जाने के बाद राजधानी विकास प्राधिकरण को निर्माण रोकने का आदेश देना पड़ा था। बता दें, मंदिर निर्माण को शहर के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिन्होंने इसके लिए धन भी आवंटित किया था, लेकिन बाद में कहा कि सरकारी धन का उपयोग करके निर्माण के मामले को इस्लामिक विचारधारा परिषद को भेजा जाना चाहिए। इस्लामिक विचारधारा परिषद एक सरकार द्वारा अनुमोदित निकाय है जो धार्मिक मामलों पर सलाह देता है। लियारी में बंटवारे से पहले के हनुमान मंदिर को ढहा दिया। पिछले साल अगस्त में एक बिल्डर ने पाकिस्तान के लियारी में विभाजन से पूर्व स्थापित प्राचीन हनुमान मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया था। हिंदू स्थानीय लोगों के अनुसार बिल्डर ने आश्वासन दिया था कि चल रहे निर्माण के दौरान मंदिर को छुआ भी नहीं जाएगा, पर पिछले साल 16 अगस्त को मंदिर को ईंटों के एक ढेर में तब्दील कर दिया गया। हमने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन बिल्डर ने प्रवेश से इनकार कर दिया। एक स्थानीय ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने वहां रहने वाले निवासियों को धोखा देकर मंदिर को ढहाया था और ये बात उन्होंने कही। वहीं मंदिर के आसपास रहने वाले 18 परिवारों के सदस्यों ने कहा था कि उन्होंने बचपन से ही मंदिर को देखा और इस तरह से मंदिर को तोड़ना शर्मनाक है।
श्री राम मंदिर पर हमला। पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नगर पार्कर में श्री राम मंदिर में भी तोड़फोड़ की घटना घटी थी, जहां अज्ञात बदमाशों ने हिंगलाज माता की मूर्ति के सिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था और मंदिर को अपवित्र कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय की प्रवक्ता अनिला गुलजार ने बताया कि सिंध में 428 में से केवल 20 मंदिर ही ऐसे हैं जो अब बचे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर को सैकड़ों की भीड़ ने तोड़ा। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सैकड़ों पाकिस्तानियों को एक हिंदू मंदिर को जलाते और तोड़ते देखा गया। करक की तेरी संघ परिषद में स्थित कृष्ण द्वार मंदिर पर सैकड़ों की भीड़ ने हमला किया था, जिन्होंने मंदिर की इमारत में आग लगा दी थी, फिर उसे हथौड़े और हथियारों से तोड़ दिया था। मंदिर का निर्माण कथित तौर पर गुरु श्री परमहंस दयाल को जुलाई 1919 में साइट पर दफनाने के बाद किया गया था। हालांकि क्षेत्र के मुस्लिम निवासियों ने 1947 में विभाजन के बाद मंदिर को बंद कर दिया था, जिसके बाद साल 2015 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर को बहाल कर दिया था। आपको बता दें, इस साल जुलाई में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए हिंदू मंदिर को जलाने के आरोपी 350 लोगों के खिलाफ मामला वापस लेने का फैसला किया, जिसमें दावा किया गया था कि हिंदू समुदाय ने भीड़ को क्षमा कर दिया है। माता रानी भटियानी देवी मंदिर में तोड़फोड़। पिछले साल जनवरी में एक और इस्लामिक भीड़ ने सिंध पाकिस्तान के चाचरों थार पारकर में माता रानी भटियानी देवी मंदिर में तोड़फोड़ की थी और कथित तौर पर हिंदू पवित्र पुस्तकों में आग लगा दी थी। भीड़ ने देवी की मूर्ति को भी अपवित्र कर दिया था और मूर्ति के चेहरे को भी काला कर दिया। खबरों के अनुसार पाकिस्तान में 365 हिंदू मंदिरों में से केवल 13 का प्रबंधन इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है और 65 की जिम्मेदारी सताए गए और गरीब हिंदू समुदाय पर छोड़ दी गई और बाकी के मंदिरों को भूमाफियाओं ने अपने कब्जे में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से पाकिस्तान, जो कि मुल्क कम एक भिखारियों की टोली ज्यादा है, कटोरा गैंग वालों का टोला ज्यादा है वहां पर, और कुछ नहीं है, किस तरीके से विकास को लेकर वहां पर सिर्फ बकवास का सहारा लिया जाता है, किस तरीके से सरकार, सेना, सत्ता, सब कुछ वहां की जनता को एक लॉलीपॉप पकड़ाती है, जिस लॉलीपॉप के ऊपर जो रैपर है उसमें कश्मीर लिखा हुआ है और पूरी जनता उस कश्मीर का रैपर खाती है और उसको खाती रही है। दर्शकों, एक रिपोर्ट के जरिए एक चीज है आपको जो जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो ये है कि सुनकर अचंभा होगा कि 1947 जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, जब विभाजन हुआ, देश में दो मुल्कों में एक नई शुरुआत हुई। एक तरफ था भारत, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का नाम था पाकिस्तान। दर्शकों, उस पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तब कहा गया था कि ये धर्म के नाम पर बंटवारा है और मुसलमान एक साइड जाएंगे, हिंदू एक साइड जाएंगे, लेकिन उसके बाद सियासतदानों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब एक संस्कृति के, एक समाज के लोग। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब भारतीय संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में लोगों का धर्म के नाम पर बंटवारा करकर सबसे पहले तो इस देश को दो हिस्सों में बांटा गया। इसके बाद किस तरीके का जहर घोला गया उसकी तस्वीर आप देखिए। आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, आप सुनकर चौंक जाएंगे। आंकड़ा यह है कि भारत में आज की डेट पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम। 1947 में ऐसी तस्वीरें नहीं थी और ऐसा कहा गया था कि आने वाले समय में भारत में मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान से कम हो जाएगी, लेकिन दर्शकों, यह संख्या बढ़ती गई एंड दे आर वेरी हैप्पी। और पाकिस्तान का हाल देखिए, आज की डेट में आपको आंकड़ों की तस्वीरें दिखाऊं तो पाकिस्तान में सिर्फ 30 मंदिर बचे हैं और भारत में माइनॉरिटी के पास 3 लाख
मस्जिदें, एंड दैट्स ट्रू। सोच एक डेमोक्रेसी आपको क्या देती है और एक डेमोक्रेसी आपको क्या देती है। पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर एक भी व्यक्ति पाकिस्तान का मेरी बात को सुन तो एक बात को जरूर समझिएगा कि आपके बटुए में जिस जिन्ना की फोटो है उस जिन्ना ने आपको पागल बनाया है। आपके बटुए में जिस जिन्ना की फोटो है आपने उसकी बात मानी आपके पूर्वजों ने और आज आप इस दहलीज पर खड़े हैं कि आपका प्रधानमंत्री अपने घर को गिरवी रखे हुए है वो आपको क्या सहारा दे। सिर्फ आंखें बंद कर ये बात सोचिए कि जिस देश की हुकूमत, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने घर को भाड़े पर चढ़ा दे, जिस देश के जज उनको खुद ना मालूम हो कि सेना उनके ऊपर है या फिर सरकार उनके ऊपर, जिस देश की सेना को अपनी सीमाओं की रक्षा से ज्यादा इस बात का लालच हो कि वो कब सत्ता में। अब बचता है चौथा स्तंभ, तो वहां का चौथा स्तंभ गधों के ऊपर बैठकर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो वहां का चौथा स्तंभ भैंसों से पूछ रहा है कि लाहौर आके कैसा लगा, तो वहां का चौथा स्तंभ आपको यह बता रहा है कि भारत ने टमाटर नहीं भेजे और टमाटर नहीं भेजे तो हम लानत भेजते हैं। और मैं आज रात आपको ये बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की आवाम आप बहुत भोले लोग हैं, आप बहुत मासूम लोग हैं, आपके साथ धोखा हुआ है। थैंक यू, गुड नाइट।